हम आज ट्रायल बैलेंस सीख रहे हैं, तो पहला सवाल यही होना चाहिए कि पढ़े ही क्यों ट्रायल बैलेंस चैप्टर? तो टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। भाई अर्थमेटिकली अकाउंट्स कितने करेक्ट हैं, तो भाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी क्यों चेक करें? तो कंपनीज जो होती हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है, उसमें लिखा होता है कि अकाउंट्स शो ट्रू एंड फेयर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंपनी। तो भाई ट्रू एंड फेयर इकोनॉमिक कंडीशंस कब आएंगी? पहला, जब अकाउंट्स आर करेक्ट एज पर मैथमेटिकल व्यू पॉइंट, मैथमेटिकली अकाउंट्स करेक्ट हैं। दूसरा, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स फॉलो हुए हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस फॉलो हुए हैं, तो इसीलिए हम ये चैप्टर सीख रहे हैं। मेन फोकस है मैथमेटिकल एक्यूरेसी पर। इफ द टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट साइड इज नॉट सेम, अगर सेम नहीं है देन मैथमेटिकली अकाउंट्स आर नॉट करेक्ट। मतलब टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट सेम होना चाहिए, वरना मैथमेटिकली अकाउंट्स करेक्ट नहीं है। द स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस दैट द अकाउंट्स आर मैथमेटिकली करेक्ट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस में ये लिखना है, वन मार्क में आता ही है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। द स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस दैट द अकाउंट्स आर मैथमेटिकली करेक्ट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। मेथड्स, तो दो मेथड्स हैं, टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड। प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस मेथड यूज होता है, टोटल मेथड यूज नहीं होता है। दो फॉर्म है, एक स्टेटमेंट फॉर्म जैसे कि ये नेम ऑफ अकाउंट LF, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये जो स्मॉल बिजनेसमैन है जिनको क्विक रिव्यू चाहिए अपने अकाउंट्स का, तो वो स्टेटमेंट फॉर्म बनाते हैं, जैसे कैपिटल क्रेडिट साइड लिखते हैं। आपने लेजर पोस्टिंग चैप्टर सीखा है, कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस, बिजनेस का एसेट है। डेटर्स बिजनेस का एसेट है, डेबिट बैलेंस। सेल्स बिजनेस की इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्म का ट्रायल बैलेंस है। एक ट्रायल बैलेंस अकाउंट फॉर्म में भी बनता है, ये एमसीक्यू आता है कि कौन सा फॉर्म है बताइए। तो स्टेटमेंट फॉर्म एंड अकाउंट फॉर्म, ये अकाउंट फॉर्म है। जो बिग बिजनेसमैन है जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, बैलेंस ज्यादा होते हैं, जिनको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, तो वो अकाउंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस को प्रेजेंट करते हैं। ड्रॉइंग्स को डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट को एकदम अलग कर देते हैं, डेबिट ऑन द लेफ्ट साइड, क्रेडिट ऑन द राइट साइड, ऐसे करके बनाते हैं, तो उसको हम अकाउंट फॉर्म कहते हैं। रूल्स क्या हैं? तो चार रूल्स हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। पहला, ऑल एक्सपेंसेस आर शोन ऑन डेबिट साइड। अगर कोई एक्सपेंस है तो डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस आएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आपने पढ़ा है, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल, राइट। ऑल इनकम्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड, इनकम है तो क्रेडिट साइड बताइए, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट भी है तो भी वो क्रेडिट साइड आएगा, इनकम और गेन दोनों क्रेडिट साइड आएगा। एसेट्स विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। एसेट्स क्या होते हैं? जो रेवेन्यू प्रोड्यूस करते हैं, फिर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, आपने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे डेबिट बैलेंसेस, एसेट्स का डेबिट बैलेंसेस। लाइबिलिटीज कैपिटल रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस, मतलब लाइबिलिटी भी क्रेडिट साइड आएगी, कैपिटल भी एक्चुअली इंटरनल लाइबिलिटी, इसीलिए क्रेडिट साइड आ रहा है। और रिजर्व्स, किसी भी शब्द के पीछे रिजर्व शब्द यूज हो गया तो फटाक से क्रेडिट साइड लिख देगा, क्रेडिट बैलेंस। लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने को बोल रहा है प्रवीण पटेल का। तो मैंने अकाउंट फॉर्म में बनाया है, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। पहला, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक बिजनेस का एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड आएगा, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक बिजनेस का एक्सपेंस होता है। वेजेस बिजनेस का एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड आएगा। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम होती है, क्रेडिट साइड आएगी। रिपेयरिंग बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा। टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस के लिए एसेट है, डेबिट साइड आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, डेबिट साइड।
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट साइड, कैपिटल कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी, क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल सी फॉर क्रेडिट, याद रहे, डी फॉर ड्रॉइंग्स डी फॉर डेबिट। चलो, ऑफिस सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट। पेटेंट बिजनेस का एसेट है, ये एक नॉन करंट एसेट है, डेबिट है। बैंक बैलेंस एसेट, डेबिट है। बैंक लोन, नाउ बैंक लोन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लायबिलिटी मींस क्रेडिट, तो बैंक लोन क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड इज अ बिजनेस एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड इज अ बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट साइड। परचेजेस बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड बी बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड इज रिलेटेड टू सेल्स, कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेजेस। डेटर्स एसेट फॉर द बिजनेस, डेटर इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। आई एम कंटिन्यूइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, कैश बैलेंस एसेट, कैश बैलेंस इज अवर एसेट, डेबिट। लूज टूल्स एसेट, पकड़ पाने ये सब होते हैं ना, वो मशीनरीज को हैंडल करते हो, एसेट है। क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। सन्ड्री इनकम, फ्रॉम द वर्ड सेल्फ इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम। ऑफिस फर्नीचर एसेट, देन गुडविल इज एन एसेट। नाउ टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये सारे टोटल्स करेंगे और ये टोटल्स, तो आपको टोटल मिलेगा 69,200। और यही टोटल जब आप क्रेडिट साइड का करेंगे, करेक्ट, तो भी आपको 69,200 मिलना चाहिए। और अगर मिल रहा है, सेम है, तो अर्थमेटिकली अकाउंट्स करेक्ट हैं। अब ये सेल्फ लर्निंग का है, खुद करेंगे। इसमें एक अच्छी बात यह है कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये हमारी इनकम है। अब इनकम को क्या करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, रेस्ट ऑल सिंपल है। बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है, ये एक न्यू चीज है, राइट। खुद करें। परचेज रिटर्न, परचेज के ऑपोजिट साइड आता है, परचेज इज एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न इज रिडक्शन इन एक्सपेंस, ट्रीटेड एज इनकम, खुद करें। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट साम। अब मैंने अकाउंट फॉर्म में ही बनाया है, राइट, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस, राइट। अब आप मन में सोचते जाइए और फिर मैं बोलता हूं और आप खुद टैली करिए कि बराबर है कि नहीं। फ्री होल्ड एसेट, फ्रॉम द वर्ड एसेट एन एसेट, डेबिट बैलेंस। फिर डेटर्स, करंट एसेट्स, डेटर हमारे करंट एसेट्स हैं, डेबिट बैलेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस, फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, फैक्ट्री एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। परचेजेस, रॉ मटेरियल का परचेजेस, डेबिट बैलेंस। देन फैक्ट्री रेंट, नाउ बिजनेस एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट। फैक्ट्री रेंट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड इज अ एक्सपेंस, डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन द क्रेडिट साइड। बैड डेट्स रिजर्व, रिजर्व शब्द यूज हो गया। अब रिजर्व शब्द यूज हो गया तो क्या होता है, क्रेडिट, मैंने बताया था रूल्स में। देन कमीशन पेड,
कमीशन पेड इज अ बिजनेस एक्सपेंस, कमीशन पेड बिजनेस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ एक्सपेंस डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, बैंक बैलेंस इज एन एसेट, गाड़ी है बंगला है बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास क्या है, बैंक बैलेंस इज एन एसेट, लोन बोरोड इज अ लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, नॉन करंट लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, सेल्स इज एन इनकम क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट बैलेंस, वेजेस एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, कैरेज इनवर्ड इज एन एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड इज एन एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, रॉयल्टी इज अ एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स जनरली, वी पे रॉयल्टी, वी पे एज अ बिजनेसमैन वी पे रॉयल्टी फॉर यूजिंग हम पैटर्न्स, समटाइम्स वी गेट रॉयल्टी बट इन जनरल सेंस रॉयल्टी इज एन एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड इज अ बिजनेस एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स, कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, कैपिटल लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस इज अ बिजनेस एक्सपेंस डेबिट साइड, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम क्रेडिट साइड, बैड डेट्स इज अ लॉस, ये वन लाइनर भी है, वॉट इज बैड डेट्स फॉर द बिजनेस, बैड डेट्स इज लॉस फॉर द बिजनेस डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सैलरी इज अ बिजनेस एक्सपेंस डेबिट, लीगल एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस डेबिट, कैश बैलेंस इज एन एसेट डेबिट, ऑफिस रेंट बिजनेस एक्सपेंस डेबिट, नाउ व्हेन यू विल टोटल करेक्ट बिकॉज ऑल द आइटम्स आर डन, अब इनका टोटल करेंगे एंड टोटल दिस यू विल गेट 48,010 एंड सेम थिंग यू विल डू इट फॉर द क्रेडिट साइड, ये टोटल करेंगे एंड यू विल राइट इट ओवर हेयर एंड इफ दे आर सेम अकाउंट्स आर एरिथमेटिकली करेक्ट। नेक्स्ट सम, यहां पर वल्लभ ने ट्रायल बैलेंस बनाया है करेक्ट, बट अगर कोई एरर लगता है आपको तो उसको मॉडिफाई करिए और उसका रीजन दीजिए। अब ये मैंने स्टेटमेंट बना दिया, अकाउंट बना दिया, अब सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड ही आता है, बराबर है तो बराबर है, तो एज इट इज लिख दो ओपनिंग स्टॉक राइट। अब नेक्स्ट है सेल्स, तो सेल्स डेबिट साइड आना चाहिए कि क्रेडिट साइड आना चाहिए, अगर आप क्रेडिट साइड सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, और इसने गलती से डेबिट साइड लिख दिया है, तो आपको यहां पर क्रेडिट साइड लिखना है सेल्स, और रीजन में लिखना है इट इज इनकम फॉर द बिजनेस, नोट्स में आपको रीजन में लिखना है इट इज इनकम फॉर द बिजनेस। सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न डेबिट साइड आता है और उसने डेबिट साइड ही लिखा है, ये डेबिट साइड है तो सही है सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न को गुड्स रिटर्न क्रेडिट भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम गुड्स रिटर्न क्रेडिट है, गुड्स रिटर्न क्रेडिट कम्स ऑन द डेबिट साइड, याद रहे, गुड्स रिटर्न क्रेडिट भी बोला जाता है सेल्स रिटर्न को। नेक्स्ट है वेजेस सैलरी, तो डेबिट साइड आना चाहिए बिजनेस एक्सपेंस है और उसने डेबिट साइड लिखा है तो बराबर है। फिर बिल्स रिसीवेबल एसेट और डेबिट साइड लिखा है उसने, बिल्कुल सही। नेक्स्ट डेटर्स एसेट डेबिट साइड बराबर लिखा है,
नेक्स्ट रेंट, बिजनेस एक्सपेंस, रेंट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, करेक्ट? सो डेबिट साइड यू कैन राइट इट बिलो डेटर्स, नो इश्यूज. कैश एसेट, डेबिट साइड कैश बैलेंस एसेट. क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी, परफेक्ट. क्रेडिट, उसने गलत लिखा है, तो आप लिखोगे क्रेडिटर विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी, ये रीजन में लिखना है. अब क्लोजिंग स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट एंट्री. नाउ एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस में आती ही नहीं है क्योंकि वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, आर पास्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. तो आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस. तो ये कहीं आएगा ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कहीं आएगा ही नहीं. नेक्स्ट डेबिट साइड पूरा. अब हम क्रेडिट साइड, सबसे पहले कैपिटल्स. नाउ कैपिटल्स कम ऑन द क्रेडिट साइड इज अ लायबिलिटी, और उसने क्रेडिट साइड ही लिखा है, बराबर लिखा है. नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड. नाउ डिस्काउंट अलाउड इज अ बिजनेस एक्सपेंस, तो डेबिट साइड आना चाहिए. तो आपको लिखना है डिस्काउंट अलाउड इज अ बिजनेस एक्सपेंस टू बी शोन ऑन डेबिट साइड रीजनिंग में, क्योंकि हमें रीजन देना है. कमीशन रिसीव्ड इज इनकम, ओके, क्रेडिट साइड कमीशन रिसीव्ड. देन वी हैव फिक्स्ड एसेट्स. अब फिक्स्ड एसेट्स उसने क्रेडिट साइड लिख दिया है, गलत, क्योंकि एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट्स हम डेबिट साइड लिखेंगे, और लिखेंगे इट्स एन एसेट फॉर द बिजनेस. परचेज इज एन एक्सपेंस, इट शुड कम ऑन द डेबिट साइड, उसने क्रेडिट साइड लिखा है तो आपको ठीक करना है, परचेज इज डेबिट साइड लिखना है. देन देयर इज अ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कम्स ऑन द क्रेडिट साइड. अच्छा, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम गुड्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है गुड्स रिटर्न डेबिट. गुड्स रिटर्न डेबिट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, गुड्स रिटर्न डेबिट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड. देन कैरिज इनवर्ड इज एन एक्सपेंस, डेबिट. देन वी हैव कैरेज आउटवर्ड इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, डेबिट. कैरेज आउटवर्ड इज एन एक्सपेंस, डेबिट. देन वी हैव बिल्स पेबल. बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट साइड लिखा है, बराबर किया है. देन वी हैव इंटरेस्ट पेड. नाउ इंटरेस्ट पेड इज अ बिजनेस एक्सपेंस, इट शुड कम ऑन द डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट पेड हम डेबिट साइड लिखेंगे बिकॉज इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस. अब आप टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, यू विल गेट 1,79,600. नाउ इफ यू विल टोटल दिस, इट विल नॉट मैच, यानी भाई ने अकाउंट्स में लोचे किए हैं. तो टेम्पररली मैच करने के लिए हम, क्योंकि ये टोटल यहां लिखेंगे, इसमें से ये चीज माइनस करेंगे, टेम्पररली जो डिफरेंस है उसे हम सस्पेंस में डालेंगे. और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये जो डिफरेंस आता है टेम्पररली उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो उसका आंसर है सस्पेंस अकाउंट में. व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, वेयर इज द डिफरेंस ट्रांसफर्ड, द डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, ऑल ऑफ दिस, इट्स अ टेम्पररी अकाउंट, राइट? तो हमने क्या किया, 179,600 में से 172,600 माइनस किया, डिफरेंस सस्पेंस में डाल दिया, क्योंकि अर्थमेटिकली इसके अकाउंट्स करेक्ट नहीं है. ये सेल्फ लर्निंग का क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, राइट? उसी पर बेस्ड है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम. यहां पर भी इसका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, तो उसने गड़बड़ घोटाले किए हैं, आप उसको ठीक करो. तो हम ठीक करते हैं. चलिए, अब सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट साइड आना चाहिए, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, कैपिटल क्रेडिट साइड. नेक्स्ट स्टॉक ऑफ गुड्स. अब स्टॉक ऑफ गुड्स ये मान के चलते हैं ओपनिंग स्टॉक है, अग्रीड? ओपनिंग स्टॉक इज अ बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट साइड. परचेजेस, गलत, डेबिट साइड लिखना चाहिए, बिजनेस एक्सपेंस. देन सेल्स, क्रेडिट साइड इनकम, सेल्स इज इनकम,
क्रेडिट साइड देन, हाँ आप देखो मस्त, गुड्स रिटर्न डेबिट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, गुड्स रिटर्न डेबिट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, गुड्स रिटर्न डेबिट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, याद रखना गुड्स रिटर्न डेबिट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, गुड्स रिटर्न क्रेडिट कम्स ऑन द डेबिट साइड, गुड्स रिटर्न क्रेडिट कम्स ऑन द डेबिट साइड, गुड्स रिटर्न क्रेडिट इज व्हाट इज अ सेल्स रिटर्न, मतलब क्रेडिट नोट्स पर बेस्ड, क्रेडिट मींस क्रेडिट नोट, डेबिट मींस डेबिट नोट, तो डेबिट नोट वाले परचेस बुक में याद है हम लोग डेबिट नोट लिखते, परचेस रिटर्न में हम लोग डेबिट नोट लिखते थे, आपको सब्सिडरी बुक चैप्टर याद होना चाहिए, सेल्स रिटर्न बुक में हम क्रेडिट नोट लिखते थे, तो ये क्रेडिट है ना क्रेडिट नोट, डेबिट है ना डेबिट नोट, तो गुड्स रिटर्न डेबिट कम्स ऑन द क्रेडिट, गुड्स रिटर्न क्रेडिट कम्स ऑन द डेबिट, वेजेस सैलरी बिजनेस एक्सपेंस डेबिट साइड, देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट बिकॉज एन एक्सपेंस, देन रेंट पेड गलत, इसने क्रेडिट साइड लिखा है, एक्सपेंस है बिजनेस का डेबिट साइड, बैड डेट्स इज अ लॉस डेबिट बराबर लिखा है, बिल्डिंग बराबर लिखा है, बैड डेट्स बिल्डिंग, देन क्रेडिटर्स गलत लिखा है, इज अ लाइबिलिटी क्रेडिट साइड आना चाहिए, देन वी हैव डेटर्स गलत लिखा है, एसेट है डेबिट साइड आना चाहिए, डेटर्स डेबिट साइड, जनरल रिजर्व, नाउ द रिजर्व शब्द आ गया, मैंने बताया रिजर्व शब्द आ गया यानी क्रेडिट, राइट, देन वी हैव इनकम टैक्स, इनकम टैक्स गलत लिखा है, बिजनेस एक्सपेंस है डेबिट साइड, नेक्स्ट बैंक बैलेंस एसेट बराबर लिखा है, देन डिविडेंड इनकम है बराबर है, कमीशन रिसीव इनकम है बराबर है, क्रेडिट साइड ही आना चाहिए, एंड देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल भी उसने डेबिट साइड लिखा है जो बराबर है, अब आप इसको टोटल करेंगे इट विल मैच विथ 192,600। लेट अस गो फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आफ्टर व्हिच स्टेज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, तो ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनता है, आफ्टर लेजर, व्हाट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर क्या बनते हैं, एनुअल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स जिसको कहते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट्स जिसके उसने ट्रायल बैलेंस 1 ईयर, व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे एक्चुअली मेथड नहीं होना चाहिए फॉर्म होना चाहिए, क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो दो फॉर्म है अकाउंट फॉर्म एंड स्टेटमेंट फॉर्म, तो उसका आंसर है डी, एक्चुअली मेथड भी दो होते हैं, टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड, तो यहाँ पे एक्चुअली वो फॉर्म पूछ रहा है, तो ए एंड बी, मैथमेटिकली करेक्ट ट्रायल बैलेंस मीन्स व्हाट, आइडेंटिकल टोटल ऑन बोथ द साइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आइडेंटिकल टोटल ऑन बोथ द साइड, दोनों टोटल सेम होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रायल बैलेंस इज मैथमेटिकली करेक्ट मींस व्हाट, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर इक्वल, व्हाट इज इजी आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज टैली, ट्रायल बैलेंस टैली है तो फाइनल अकाउंट्स इजी हो जाते हैं, ट्रायल बैलेंस इज व्हाट अ स्टेटमेंट, मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, व्हिच बैलेंस हैव बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि एसेट है, नॉर्मली फ्रॉम व्हिच पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस किस में से बनता है, लेजर बैलेंस में से बनता है, व्हिच बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग शोज अ क्रेडिट बैलेंस, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, याद है बाकी तो एसेट्स हैं, ये एसेट है ये लॉस है ये भी एसेट है, इन हाउ मेनी फॉर्म्स अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, टू फॉर्म्स, स्टेटमेंट फॉर्म अकाउंट फॉर्म, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच ऑब्जेक्ट इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस टू फाइंड मैथमेटिकल मिस्टेक्स, इन व्हिच अकाउंटिंग मेथड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, डबल एंट्री अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर व्हिच स्टेज, बिफोर व्हिच, तो फाइनल अकाउंट्स, विश यू गुड लक।